हेलो फ्रेंड्स, आज हम लेक्चर नंबर 8 स्टार्ट करेंगे। उसमें हम दो टॉपिक्स कवर करेंगे। एक हम करेंगे एडजस्टमेंट ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स एंड लॉसेस, और दूसरा हम करेंगे रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लाइबिलिटीज। ठीक है, फिर हमारे दो टॉपिक बचेंगे जो हम लेक्चर नंबर 9 में करेंगे। इस तरीके से हमारा जो पहला चैप्टर है वो 9 लेक्चर में होपफुली कम्प्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो आज हम करेंगे पहला वाला कंसेप्ट, एडजस्टमेंट ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉसेस। क्या मतलब है, और हम सारी चीजें किस टर्म में पढ़ रहे हैं, एडमिशन में। मतलब जब एडमिशन ऑफ पार्टनर होगा, तो अगर हमारी बैलेंस शीट में इस तरह की बैलेंस शीट है हमारी, अगर बैलेंस शीट में कुछ रिजर्व्स आ रहे हैं या प्रॉफिट एंड लॉस का क्रेडिट बैलेंस आ रहा है, ठीक है, उसको क्या करेंगे ये हमने सीखना है। ठीक है, क्या करेंगे इसका जरा लॉजिकली बोलो, क्या करेंगे। सपोज यहाँ हमारा बिजनेस था, स्टार्ट किया था हमने, और आज की डेट में हमने 1 अप्रैल को एक नया पार्टनर लाया, तो इस दिन हम देखेंगे अगर कोई भी मेरा एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट है, क्या है, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट मतलब जो प्रॉफिट्स हमने बिजनेस में रिटेन करके रखे हैं। देखो, जब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं फिर क्या बनाते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में जो लास्ट में बचता था प्रॉफिट, उसको कहाँ लेते थे हम पार्टनर्स अकाउंट में। तो मतलब हम प्रॉफिट्स को देते, डिस्ट्रीब्यूट करते थे। कभी कभी ऐसा होता था, हम क्या करते थे, एक एंट्री करते थे, हम करते थे प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू जनरल रिजर्व। ये करते हैं बेटा, नहीं करते हैं? हाँ सर, करते थे बीच में। हमें लगता था फ्यूचर में कभी पैसा आएगा तो हम सारा पार्टनर्स की कैपिटल में ट्रांसफर ना करके कुछ रिजर्व्स क्रिएट करते थे। और आज जब पार्टनर आएगा तो ये जो रिजर्व्स है, या प्रॉफिट एंड लॉस में ही कुछ बैलेंस रखा था, सरप्लस जिसे हम बोलते साइड में रखा था, तो वो उसको ये जो किन की मेहनत है, ये जो ओल्ड पार्टनर्स थे, यहाँ पे जितना भी फायदा किया या जितना भी नुकसान हुआ वो किन को बिटना चाहिए, ओल्ड पार्टनर को मिलना चाहिए। अगर आज की डेट में कोई भी प्रॉफिट है जो इस पीरियड का था, बट अभी तक हमने पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया था, तो हम पार्टनर्स को देंगे किस रेशो में देंगे, उनकी ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में देंगे। इसी तरह से अगर कोई रिजर्व है तो वो इनका है, ओल्ड पार्टनर का, तो नए पार्टनर को उसमें से कुछ नहीं मिलना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, उन रिजर्व का जो बैलेंस होगा वो ट्रांसफर करेंगे हम ओल्ड पार्टनर में। सपोज यहाँ पे रिजर्व्स मेरे 1 लाख के हैं, तो हम क्या करेंगे, ये रिजर्व्स तो ओल्ड पार्टनर के हैं, उनका जो इतने सालों का, सपोज वो 5 साल से काम कर रहे हैं और हर साल 20-20 हज़ार रिजर्व में ट्रांसफर कर रहे थे, तो उनका जो प्रॉफिट था तब वो अपने घर नहीं लिया था, अपने अकाउंट में नहीं लिया था, बल्कि रिजर्व में रखा था। अब ये 1 लाख तो उन दो का था, तो ये 1 लाख रुपया हम उनके कैपिटल अकाउंट में उनकी ओल्ड प्रॉफिट शेयर रेशियो में, ओल्ड रेशियो में ट्रांसफर करेंगे। तो एंट्री क्या हो जाएगी, रिजर्व अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट टू बीज कैपिटल अकाउंट, किस रेशियो में, जो उनका ओल्ड प्रॉफिट शेयर रेशियो है। सपोज वो 5:3 था, ठीक है, तो उस रेशियो में जो आएगा 1 लाख को वैसे हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। ठीक है, तो इसको 62,500 और इसको 37,500। इसी तरह से अगर प्रॉफिट लॉस का कुछ सरप्लस है तो अगेन उसको डेबिट करेंगे टू एज कैपिटल पीरियड। इसी तरीके से अगर कुछ एक्यूमुलेटेड लॉसेज है, सपोज प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस है, अगर डेबिट बैलेंस है प्रॉफिट लॉस का, तो नुकसान जो उन पार्टनर्स के टाइम का हुआ था वो वही बेयर करेंगे। तो उसमें हम क्या करेंगे, अगर लॉस था, ये तो अगर प्रॉफिट था, और अगर लॉस था कुछ, प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस था, तो एंट्री क्या हो जाएगी, प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस है तो किन को डेबिट करेंगे, एज कैपिटल अकाउंट, बीज कैपिटल अकाउंट, और जो प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस था उसको खत्म करके तो प्रॉफिट एंड लॉस क्रेडिट करेंगे। क्रक्स क्या है, जितने भी यहां तक के प्रॉफिट्स है और लॉसेस है जो डिस्ट्रीब्यूट नहीं हुए हैं उनको खत्म कर लो। नई फर्म है, नया पार्टनरशिप है, तो नया रहना चाहिए। आज तक के कोई भी लॉस, जैसे हमने अभी गुडविल में बोला था, इसको कोई फायदा नहीं मिलना चाहिए, तो फायदा आगे मिलेगा तो इसको अभी लेते थे। इसी तरह से ये भी बोलेगा, भाई ये पुराना जो कूड़ा करकट है इसको खत्म करो, मुझे क्लियर चाहिए। तो ऑब्वियसली हम भी बोलेंगे प्रॉफिट है तो भाई हम तुम्हें क्यों देंगे, और लॉस होगा तो वो बोलेगा कि तुम दे। अभी लॉस की बात ही नहीं है यहाँ पे, अगर प्रॉफिट लॉस का डेबिट बैलेंस है, ऐसा हो सकता है, एसेट साइड का मतलब डेबिट बैलेंस है ना, तो दैट इज अ लॉस। ठीक है, इसी तरीके से एक चीज हो सकता है, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर।
हमने खर्चा कर दिया, अगर मेरी फर्म ने खर्चा कर दिया तो दैट शुड बी टेकन टू प्रॉफिट लॉस अकाउंट, बट हमने बोला था नहीं भाई इसका फायदा एक साल में नहीं आएगा, दो इट्स अ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। सपोज एडवर्टीजमेंट हमने कर दी और हमें लगा दो साल तक इसके फायदे आएंगे, तो हम क्या करते थे, एक ही साल में एडवर्टीजमेंट को राइट ऑफ नहीं करते थे, इसको आगे करते थे। तो अभी हमने क्या किया था, 2 लाख का खर्चा किया था, एक लाख तो हमने राइट ऑफ कर दिया, बट ये अभी 1 लाख रुपया और इधर पड़ा है, तो ये तो खर्चा उन्होंने कर दिया था, तो उन्होंने खर्चा कर दिया तो क्या बोलेगा ये, भाई इसको राइट ऑफ तो मैं नहीं जानता, तो वो क्या एंट्री करेंगे, तो इस डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंस को खत्म करेंगे, तो हम करेंगे एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंस। तो क्रक्स है, पुराने जितने भी खर्चे हुए हैं जो अभी तक राइट ऑफ नहीं किए हैं वो उनकी ओल्ड पार्टनर्स की ओल्ड रेशियो में हो जाएगी, पुराने जितने भी फायदे थे जो अभी डिस्ट्रीब्यूट नहीं करते उनको डिस्ट्रीब्यूट करना है, ठीक है। बहुत ही सिंपल कंसेप्ट है, एक्युमुलेटेड प्रॉफिट्स और लॉसेस इंक्लूडिंग द प्रॉफिट्स और लॉसेस, और जो भी है जो अभी तक डिस्ट्रीब्यूट नहीं किए उनको डिस्ट्रीब्यूट करो और क्लीन बुक्स मेंटेन करो, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, जितना भी इंपैक्ट आएगा ओल्ड पीएसआर में करेंगे। अब देखो इलस्ट्रेशन नंबर 23 है, राजेंद्र एंड सुरेंद्र आर पार्टनर्स इन द फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 4:1। तो इनका ओल्ड रेशियो क्या था, 4:1। On 15th April 2017 they admit Narinder as a new partner. तो किसको लाया, नरेंद्र को, राजेंद्र और सुरेंद्र ने नरेंद्र को लाया। On that date there was a balance of 20,000 in general zero and a debit balance of 10,000. Debit balance है PNL में 10,000 और जनरल रिजर्व है 20,000। तो जनरल रिजर्व में क्या है, फायदा है 20,000 का, तो उस 20,000 को क्या करेंगे, 20,000 को क्या करेंगे, R और S में 4:1 में करेंगे। तो रिजर्व्स को हम क्या करेंगे, डेबिट कितना है, रिजर्व्स कितने हैं 20,000, 20,000 के रिजर्व्स जो है वो R और S में कैपिटल में ट्रांसफर करेंगे, किस रेशियो में, जो उनका ओल्ड पीएसआर था 4:1। तो एक को मिलेगा 16,000 और दूसरे को मिलेगा 4,000, ठीक। इसी तरीके से उनका डेबिट बैलेंस है पीएनएल का कितना, पीएनएल का डेबिट बैलेंस है 10,000, तो 10,000 डेबिट है उसको क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे, उसको खत्म करेंगे। तो कुछ पूछ कर ऐसे, इधर 10,000 का डेबिट बैलेंस है और इधर रिजर्व उसका 20,000 है, ये जो रिजर्व में 20,000 है ये ए और बी की कैपिटल में ट्रांसफर करेंगे, ये जो 10,000 का लॉस है ए और बी की कैपिटल से डेबिट करेंगे, तो मतलब यहाँ आर और एस है तो उनसे डेबिट करेंगे उनकी प्रॉफिट शेयर रेशियो में 4:2 में, तो इसका 4:1 में, तो इसको 8,000 का लॉस बियर करना पड़ेगा, इसको 2,000 का लॉस बियर करना है। दिस इज द कंसेप्ट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन या एडजस्टमेंट ऑफ द एक्युमुलेटेड प्रॉफिट्स एंड लॉसेस, ठीक है, ये हो गया। अब बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है जो हम करेंगे, जिसका नाम है रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड रीअसेसमेंट ऑफ लाइबिलिटीज, ठीक है, रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड रीअसेसमेंट ऑफ लाइबिलिटीज। फंडा बिल्कुल सेम है, जैसे अभी मैंने बोला था एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स में, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स और लॉसेज जो होंगे वो किन को मिलेगा, ओल्ड को मिलेगा, इन दियर ओल्ड रेशियो। इसी तरीके से हम क्या करेंगे, जिस दिन पार्टनर आता है हम बैलेंस शीट को रिविजिट करते हैं, क्या करते हैं, हम बैलेंस शीट को विजिट करते हैं और देखते हैं भाई, कुछ बातें करते हैं ओल्ड पार्टनर और न्यू पार्टनर। ओल्ड पार्टनर और न्यू पार्टनर पहले ये बोला था कि भाई, हमने बोला ठीक है एडमिशन हो रहा है ना भाई आ जा, तू क्या दे दे, कैपिटल दे दे, दे दी उसने। फिर बोला था उसको, भाई हम ना बाकी फर्म से ज्यादा अच्छा कमाते हैं, ठीक है ज्यादा कमाते हो फाइन, तो आप क्या बोल रहे हो, बोलेंगे हम गुडविल वैल्यू करेंगे, अब तू इसका शेयर बना बनाया तुझे बिजनेस मिल रहा है अच्छा खासा, तो बोलते थे ठीक है तू गुडविल का शेयर दे दे, उसने बोला ठीक है भाई मैं गुडविल का शेयर देता हूँ, और बोलो हमने बोला भाई इसमें ना हमारे एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स है, बोला ठीक है एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स है तो क्या है, हम बोल रहे हैं उसको भाई लॉजिकली समझने की कोशिश कर, तू भाई लॉजिकली समझने की कोशिश कर, ये जो रिजर्व्स है एडिशनल ये तो हमारे थे, ये तो हमारे थे भाई, तू अब क्या कर ले, जब ये हमारे थे तो हम लेंगे, वो बोल रहा है ठीक है भाई ले लो। फिर वो बोल रहा है यार मैं बैलेंस शीट में देख रहा हूँ, मैं जो बैलेंस शीट में देख रहा हूँ तुमने डेफिनेट रेवेन्यू एक्सपेंडिचर रखा है, मैं क्यों उसको, ये तुमने खर्चा कर दिया था तो तुम ले लो, हम बोल रहे ठीक है भाई हम लेते। फिर बात आ रही है वो बैलेंस शीट को और देख रहे हैं, बैलेंस शीट को और देख रहे हैं, तो बैलेंस शीट क्योंकि क्या होती है, ये ए बी फर्म जो है, ए एंड बी जो है फर्म जो है उनकी बैलेंस शीट है, क्या है उनकी बैलेंस शीट है, तो वो बिल्डिंग को दे रहे हैं और बिल्डिंग 10 लाख की है, और यहां पे कार है, कार 4 लाख की है, ओके देखते हैं सारी चीजें, डेटर 2 लाख के है, स्टॉक 20 लाख का है, और फिर कैश है सपोज। इसी तरह से यहां पे एज कैपिटल अकाउंट है, या ऐसे बोलो यहां पे कैपिटल अकाउंट्स है, क्या है कैपिटल अकाउंट्स, ए है और
बी है 10 और 14 से 14 क्षेत्र 17 ठीक है। इसकी कैपिटल है 20 लाख, ए की कैपिटल है 10 लाख और मेरी यहां पे लाइबिलिटीज है ठीक है, ये मेरा 30 लाख आ गया और यहां पे मेरा लोन है 5 लाख का और मेरे क्रेडिटर्स है 2 लाख है ठीक है। ये सपोज मेरी बैलेंस शीट है 37 लाख की, 10 और 14 17 ठीक है, ये मेरी बैलेंस शीट है। अब ए बी है और सी आ गया, अब ये तीनों बैलेंस शीट को देख रहे हैं। अब देखो क्या हो रहा है यहां पे, बहुत इंपॉर्टेंट चीज, इसकी नजर पड़ गई कार पे, इसकी नजर पड़ गई कार पे। अब क्योंकि मैंने जो पहला लेक्चर बोला था एडमिशन में, उसमें बोला था हमने जब पार्टनर आता है ही गेट्स राइट ऑफ टू थिंग्स, वन ही गेट्स राइट ऑफ द प्रॉफिट, हमने बोला इसको प्रॉफिट में से हिस्सा मिलेगा, तो उस बेस पे हमने उसको बोला भाई तुझे प्रॉफिट में से हिस्सा मिलेगा तू क्या कर ले, गुडविल जो तुझे आगे हमारी गुडविल है तू उसका शेयर हमें दे दे, आज ही दे दे, वो वाली कंसेप्ट उसमें। और उसको क्या मिलेगा, एसेट्स में राइट मिलेगा, एसेट्स में राइट मिलेगा तो वो उसी हिसाब से वो कैपिटल वैपिटल भी लाएगा। और एक चीज यहाँ पे देखो, बैलेंस शीट में जितने भी चीजें आते हैं वो आती है कॉस्ट, जितना कॉस्ट होगा उतनी पे आ जाती है, हमारे पास कॉस्ट कंसेप्ट है। अब वो बोल रहा है भाई उसकी कार पे नजर पड़ गई, उसकी कार पे नजर पड़ गई और वो बोल रहा है तुमने जो ये कार 4 लाख की रखी है ना, मैं तो देख रहा हूँ ये तो तुमने लाई है 4 साल पहले और इसकी वैल्यू 4 लाख नहीं होगी, तुम लोग तो डेप्रिसिएशन इसको 10% कर रहे हो पर कार की डेप्रिसिएशन तो ज्यादा होती है, तो मेरे हिसाब से इसकी वैल्यू तो 2.5 लाख होनी चाहिए और इसके लॉजिक के हिसाब से अगर इसका वैल्यू 2.5 लाख होना चाहिए था तो तुमने पुराने जो प्रॉफिट एंड लॉस में उसमें 1.5 लाख का खर्चा और लेना था, तो मैं क्यों इसका वैल्यू 4 लाख मानू, मेरे हिसाब से तो 2.5 लाख ही है इसका वैल्यू। अब हमने थर्ड पर्सन को लाया, उसने बोला हाँ भाई 3 लाख की वैल्यू है, तो कायदे से क्या होना चाहिए था, आज तक इसकी 1 लाख और लेस होनी चाहिए वैल्यू, तो 1 लाख और लॉस होना चाहिए था फर्म का, तो वो कौन बियर करेगा, ओल्ड पार्टनर, फाइन मान लिया उन्होंने। अब बिल्डिंग पे नजर पड़ गई, अब बिल्डिंग हमने परचेज कर दी थी एट कॉस्ट, सपोज लैंड एंड बिल्डिंग है, अगर 10 लाख की थी आज, मतलब ये लैंड एंड बिल्डिंग है, सपोज लैंड एंड बिल्डिंग है, या मैं ऐसे बोलता हूँ थोड़ा और क्लियर हो जाएगा, जो हमारे पास लैंड एंड बिल्डिंग है इसकी वैल्यू 10 लाख है, वो बोल रहा 10 लाख ठीक है, बट हमारा हिसाब से क्या होना चाहिए, इसकी जो वैल्यू है हमें एक अच्छी जगह है या बिल्डिंग ही रख लो, दुकान ही परचेज कर दी थी, इसकी वैल्यू तो एप्रिसिएशन होती है, इसकी जब एप्रिसिएशन होती है तो हमारे हिसाब से आज की डेट में इसका वैल्यू कितना होना चाहिए, 20 लाख। हम बोलते हैं भाई इसकी वैल्यू 20 लाख है, कल को सपोज हम बेचेंगे तुझे तो मुफ्त में मिलेगा 10 लाख का फायदा, क्योंकि 10 लाख का परचेज कर दिया था, अब हम 20 लाख का वैल्यू है, कल को बेचेंगे तो उसमें से पूरा शेयर मिलेगा तुझे, उसमें से पूरा शेयर मिलेगा, जबकि ये आज तक की जितनी वैल्यू है उसमें हमारा हमारा फायदा है, हमारा प्रॉफिट है, तो डिस्प्यूट होता है पार्टनर्स में, क्या होता है डिस्प्यूट होता है। इसी तरीके से क्या हो गया, सपोज यहां बोल रहे हैं क्रेडिटर 2 लाख ही रिकॉर्डेड है, पता चला एक बंदा है जिससे 10,000 का माल लिया है, जिससे 10,000 का माल लिया है और वो इधर बैलेंस शीट में है ही नहीं, तो असल में क्रेडिटर कितने हैं, 2,10,000 है, जब 2,10,000 है, 2,10,000 है, इट मीन्स तुमने एक एंट्री खोई है, तुमने परचेजेस नहीं डाल दिया जबकि स्टॉक करेक्ट है, तो 10 लाख का तुम्हारा खर्चा और जाना था पीएनएल में जो नहीं गया है, इसको बोलते हैं अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी। सपोज हमें पता चला एक अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी है 10,000 की, तो बोलेगा यार ये तुम लोग बियर करो ना, तुमने तब प्रॉफिट्स कम ज्यादा दिखाए हैं क्योंकि ये खर्चा जाना था, तुमने खर्चा दिखाया नहीं है तो मैं क्यों बियर करूंगा, इसको तुम बिल्कुल करो, तो डिस्प्यूट आते हैं, इसको हल करते हैं हम, क्या करते हैं हम रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स करते हैं, जिस दिन परमिशन हो गया पार्टनर का उस दिन सारे एसेट्स का रिवैल्यूएशन करते हैं और जितनी भी लाइबिलिटीज है उनको रीअसेस करते हैं, या वो डेटर के बारे में बोलता है तुम डेटर तो 2 लाख दिखा रहे हो बट तुम्हारे 10% डेटर तो बैड डेट है जो हालात है, तो तुम प्रोविजनिंग क्यों नहीं करती, उसको पीएनएल में खर्चा क्यों नहीं लिया, तो 10% की प्रोविजनिंग करो, मैं मानूंगा 1,80,000 है नेट एसेट्स जिसमें मुझे शेयर मिलेगा, मैं बाकियों का क्यों एडिशनल दे दूं, तो जितना भी लॉस हुआ वो तुम लोग बियर करो,
इसी तरह से हम बोलेंगे यार इसमें तो हमारा फायदा था, हम तुझे क्यों शेयर करेंगे, तुम्हारे साथ क्यों शेयर करेंगे। तो इसमें डिस्प्यूट जो होता है इसको हल ये करते हैं, हम एसेट्स को रिवैल्यू करते हैं, तो देखते हैं आज की डेट में कितना वैल्यू है, और जो लायबिलिटी है उनको रीअसेस करते हैं, कोई छूटी तो नहीं है, क्योंकि इनको रिवैल्यू तो एसेट्स नहीं बोलते हैं, एसेट्स को रिवैल्यू करते हैं, इनको रीअसेस करते हैं, कुछ छूटे तो नहीं है या कुछ और तो नहीं है, ऊपर नीचे तो नहीं है। तो फिर जाके हम बोलते हैं नेट में हमारा क्या एसेट्स है या लायबिलिटीज है, उस पर बैलेंस शीट में दिखा देते, ठीक है। अब क्या होगा इस रिवैल्यूएशन में, किसी चीज में इंक्रीज हो जाएगा किसी एसेट में, एसेट में सपोज इसमें इंक्रीज हो गया 10 लाख का, और इसमें डिक्रीज हो गया 1.5 लाख का, इसमें डिक्रीज हो गया 20,000 का, इसमें सपोज 20,000 का 1 लाख का डिक्रीज हो गया किसी वजह से, क्रेडिटर्स बढ़ गए 10,000 के, तो क्रक्स में क्या होगा, कुछ एसेट्स की वैल्यू बढ़ेगी, ठीक है, कुछ एसेट्स की वैल्यू बढ़ेगी, कुछ लाइबिलिटीज का वैल्यू बढ़ेगा, कुछ एसेट्स का वैल्यू कम होगा, ऐसे होगा। तो हम क्या करते हैं, हम एक रिवैल्युएशन अकाउंट बनाते हैं, क्या बनाते हैं, रिवैल्युएशन अकाउंट बनाते हैं, हम बनाते हैं रिवैल्युएशन अकाउंट, उसमें जो फायदा या नुकसान होगा, उसमें जो फायदा या नुकसान होगा वो किसको मिलेगा, ओल्ड पार्टनर्स को, ओल्ड रेशियो में, क्यों, पुराना था, उसी लॉजिक से जिस तरह से एक्युमुलेटेड प्रॉफिट पुराना था तो वो पुराने पार्टनर्स में मिलेगा इन दियर ओल्ड रेशियो। तो हम क्या करते हैं, रिवैल्युएशन अकाउंट बनाते हैं, क्या बनाते हैं, रिवैल्युएशन अकाउंट बनाते हैं, ठीक है। ये मैंने रिवैल्युएशन अकाउंट बनाया, उसके बाद हम देखते हैं ये क्रेडिट हो गया ये डेबिट हो गया। अगर अभी बिल्डिंग की एग्जाम्पल थी, हमारे हिसाब से बिल्डिंग की वैल्यू अब 20 लाख है, बिल्डिंग की वैल्यू 20 लाख है, पहले कितना था 10 लाख, तो बिल्डिंग को कितने बढ़ाएंगे, 10 लाख से बढ़ाएंगे, तो एंट्री क्या हो जाएगी, एंट्री हो जाएगी जो अभी मैंने एग्जाम्पल दिया था, मैं उसी को समझा रहा हूँ, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट कितने से बढ़ाएंगे 10 लाख से, और ये हमारा 10 लाख का फायदा हो गया, ठीक है ना, फायदा हो गया 10 को, तो उसको लेंगे कहाँ पर, रिवैल्युएशन अकाउंट में, क्या लेंगे, रिवैल्युएशन अकाउंट में 10 लाख, तो एंट्री हो जाएगी रिवैल्युएशन अकाउंट क्रेडिट बाय बिल्डिंग अकाउंट, बाय बिल्डिंग अकाउंट कितने लाख से, 10 लाख से, ठीक है, यहां तक समझ आया। उसके बाद बोला उसने भाई कार जो है, कार का वैल्यू तुम बोल रहे हो 4 लाख, बट मेरे हिसाब से उसकी वैल्यू 2.5 लाख है, ठीक है, हम बोलेंगे ठीक है कार की वैल्यू कम करेंगे, हम क्या करेंगे, टू कार एसेट को क्रेडिट करेंगे, कितना कम करना है 1.5 लाख, तो किसको डेबिट करेंगे, रिवैल्युएशन अकाउंट को, किसको डेबिट करेंगे, रिवैल्युएशन अकाउंट को, हाँ सर रिवैल्युएशन अकाउंट को करेंगे 1.5 लाख, तो एंट्री क्या हो जाएगी, रिवैल्युएशन अकाउंट डेबिट टू कार 1.5 लाख, ठीक है। उसके बाद एक लायबिलिटी थी, एक लायबिलिटी थी एक क्रेडिटर को लेके, जो रिकॉर्ड नहीं की थी, जिसका वैल्यू 10,000 था, जिसका वैल्यू 10,000 था, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, एंट्री क्या करेंगे, खर्चा है हमारा वो, तो रिवैल्युएशन अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट, रिवैल्युएशन अकाउंट डेबिट टू लाइबिलिटी, ठीक है, जो वो लाइबिलिटी होगी, सपोज वो क्रेडिटर होगा, टू क्रेडिटर 10,000, ठीक है, तो एंट्री हो जाए रिवैल्युएशन अकाउंट डेबिट टू, अगर वो क्रेडिटर है, सपोज क्रेडिटर ही बढ़ रहा है, तो मैं यहां पे टू क्रेडिटर लिखूंगा, ठीक है, क्रेडिटर बढ़ेगा, ठीक है, टू क्रेडिटर, और क्या हो सकता है, 10,000 है तो 0.10L, और क्या हो सकता था, उसमें प्रोविजन करना था डेटर्स में, डेटर्स 2 लाख है, वो बोल रहा है यार 10% तो बैड डेट होने वाले हैं, चलो बैड डेट अभी नहीं करेंगे एंट्री, हमें नहीं पता कौन कौन डेटर बैठो, तो हम प्रोविजन करेंगे, तो एंट्री क्या हो जाएगी, रिवैल्युएशन इधर ही लिख लेते हो जल्दी, तो एंट्री क्या करेंगे, प्रोविजन करेंगे, कितने का प्रोविजन करेंगे, 20,000 का, 10 लाख में, 2 लाख में 10%, टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, और फिर बैलेंस शीट में हम कैसे दिखाते हैं, डेटर लेस प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, 2 लाख माइनस 2 बाहर आता है 1.8 लाख, इस तरीके से हम प्रेजेंटेशन करते हैं एसेट साइड में, ठीक है, बहुत सारे लोगों को समझ आया होगा। और बताओ मैंने क्या एग्जांपल दी थी, स्टॉक का वैल्यू कम करना है, ठीक है, स्टॉक ओवर वैल्यूड है, क्या है, स्टॉक ओवर वैल्यू किया है, तो लास्ट ईयर का प्रॉफिट ज्यादा हुआ होगा, तो अब क्या करेंगे, उसको लेस करेंगे, तो एंट्री करेंगे रिवैल्युएशन अकाउंट डेबिट टू स्टॉक अकाउंट, स्टॉक को कम करेंगे 1 लाख से, ठीक है। सपोज इस तरीके से सारा हो गया, इस तरीके से सारा हो गया, अब देखेंगे हमारा फायदा हुआ कि नुकसान हुआ, 10 लाख का वैल्यू बढ़ गया, उसमें से 10 में से 1.5 माइनस 0.3 माइनस 1
7.2 लाख का क्या हुआ, फायदा हुआ ना, मतलब वो जो बिल्डिंग का वैल्यू 10 लाख हो बढ़ गया वो किन को मिलना चाहिए, ओल्ड पार्टनर को, क्योंकि इतने सालों में बढ़ गया। अब आज वो पार्टनर अलग है तो इतने बाद जो होगा वो तो तीनों का मिलेगा, बट आज की डेट तक तो 10 लाख बढ़ा था, वो किन को मिलना चाहिए, ए और बी को। इसी तरह से आज की डेट तक तो इनको कम होना चाहिए था, तो वो कौन बियर करेंगे, ए और बी। तो क्रैक्स में अब कितना फायदा हुआ, 7.2, ये किसको मिला जाए, मिलेगा टू एज कैपिटल अकाउंट टू बी, और ये मिलेगा इनकी ओल्ड रेशियो में, क्यों, आज तक का फायदा है, ठीक है, इसमें सेक्रीफाइसिंग वाला कोई बात नहीं है। तो ये ओल्ड रेशियो में मिलेगा, सपोज वो 5:3 था, अगर वो 5:3 था तो 7.2 × 5/8 तो इसको मिलेगा 4.5 और इसको मिलेगा 2.7, ठीक है, ये उनको मिलेगा। तो क्रक्स क्या है, जब रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स और लायबिलिटीज होगा इस डिस्प्यूट को खत्म करने के लिए, कि वो बोलता है इसकी वैल्यू ये होनी चाहिए, उसकी वैल्यू ये होनी चाहिए, तो आज साल में ऑब्वियसली जितना भी फायदा और लॉस हुआ होगा वो ओल्ड पार्टनर को मिलना चाहिए, नए पार्टनर को नहीं मिलना चाहिए, ना वो लॉस बियर करेगा और ना वो प्रॉफिट शेयर करेगा, ठीक है। तो हम बोलते हैं ठीक है, आज के डेट में हम रिवैल्यूएशन करेंगे, जितना भी उसमें फायदा होगा वो हम क्या करेंगे, ओल्ड पार्टनर में दे देंगे, ठीक है, ये एक कंसेप्ट हो गया। अब हम कुछ कंसेप्ट क्वेश्चन करेंगे, बट इसमें एक छोटा सा कंसेप्ट है, हालांकि वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, उसको मैं यहाँ ही टैकल करूंगा, क्योंकि उसके साथ हमारा रिवैल्यूएशन वाला कंसेप्ट कंप्लीट हो जाएगा और हम कुछ एक या दो क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। वो है मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट, क्या है ये, था रिवैल्यूएशन अकाउंट जिसमें हम ये सारा बोलते हैं। अब मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट का फंडा क्या है, तो हमें अकाउंटिंग कंसेप्ट पे जाना पड़ेगा। हमारे अकाउंटिंग कंसेप्ट है कॉस्ट कंसेप्ट, मतलब हम एसेट्स को किस पे रिकॉर्ड करते हैं, कॉस्ट पे रिकॉर्ड करते हैं, एसेट्स को कॉस्ट पे रिकॉर्ड करते हैं, जिस कॉस्ट पे उसको परचेज किया था उसी कॉस्ट पे, हालांकि हम इंडेक्स के चक्कर में उतना रिलेवेंट नहीं है, हम फेयर वैल्यू पे दिखाते हैं, बट अगर हम कॉस्ट कंसेप्ट फॉलो करते हैं, हमारे हम कॉस्ट कंसेप्ट फॉलो करते हैं तो हम एसेट को किस पे दिखाते हैं, कॉस्ट पे दिखाते हैं। पर यहाँ पे हमने क्या किया, एसेट्स को बढ़ा दिया। अब नई बैलेंस शीट अगर मैं बनाऊंगा इसके बाद, तो मेरा नई बैलेंस शीट जब मैं बनाऊंगा तो बैलेंस शीट में अब बिल्डिंग कितने पे आएगी, 20 लाख पे, कार कितने पे आएगी, 2.5 पे, क्रेडिटर कितने आएगा उस पे, ये सारे चीज तो ठीक है, बट बिल्डिंग का मुझे थोड़ा सा डाउट लग रहा है कि ये 10 लाख की जगह 20 लाख क्यों होगा, जबकि कॉस्ट तो मेरी 10 लाख की थी। तो एक कंसेप्ट आता है मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट, क्योंकि हमने एसेट्स को कॉस्ट पे दिखानी है, या ऐसा बोलो अगर पार्टनर्स बोलते हैं कि ठीक है हमने तो अभी रिवैल्यूएशन पॉइंट ऑफ व्यू से हमने बोला इनकी फेयर वैल्यू ये है तो इस वैल्यू पे दिखा देंगे, बट हम चाहते हैं कि बुक्स में ना छेड़े, बुक्स में वो उसी वैल्यू पे आ जाए जिस वैल्यू पे आती रही थी, तो हमने क्या करना पड़ेगा, मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना पड़ेगा। क्या बनाना पड़ेगा, मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट। तो उसमें हम करेंगे वो सारे एसेट्स और लायबिलिटीज जो हम चाहते हैं कि उसी वैल्यू पे आ जाए, इनको तो नहीं, अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी तो नहीं, क्योंकि ये तो आना चाहिए, ये तो ठीक गलत हुआ है, बट जो बाकी ठीक ही है, बट हमारी फेयर वैल्यूएशन के चक्कर में हमने बोला था ऊपर या नीचे होना चाहिए, उसका हमने रिवैल्यूएशन अकाउंट बना दिया। अगर हम बोलते हैं कि बैलेंस शीट में पुराने वैल्यू पर आए तो हमने क्या करना था, इसका उल्टा करना चाहिए। अगर इन्होंने बिल्डिंग को बढ़ा दिया उधर, अब क्या करना है हमने, बिल्डिंग को कम करना है, तो हम इसका रेप्लिका बनाते हैं जिसका नाम है मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट। तो उसमें क्या होता है, इन एंट्रीज का उल्टा होता है, जो बिल्डिंग को बढ़ा दिया था वहां पे हम बिल्डिंग को कम करेंगे। अब इधर क्या हुआ था, क्रक्स में फायदा हुआ था, वहां पे क्या हो जाएगा, लॉस होगा, बट वहां पे जो लॉस होगा अब वो क्या होगा, मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट में जो लॉस होगा, मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट, यहां पे प्रॉफिट हुआ वहां पे क्या हुआ, जो लॉस होगा, या अगर यहां पे लॉस हुआ था तो वहां पे प्रॉफिट होगा, वो हम क्या करेंगे, न्यू पार्टनर्स मतलब ऑल पार्टनर्स में, जो न्यू ऑल पार्टनर्स है, आप ऑल पार्टनर्स में इन न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, तो वो हम क्या करेंगे, जितना भी वहां पे लॉस आएगा, सपोज वो हम सपोज 7.2 लाख का ये सारा हमने रिवर्स कर दिया, तो 7.2 लाख का जो लॉस आएगा वो क्या उन करेंगे, तीनों पार्टनर करेंगे, ए बी सी, किस रेशियो में, 5:3:2, क्यों, इसका वही देखोगे, जब हम एक कंसेप्ट आता है गुडविल को, हम क्या करेंगे, रेज इन, गुडविल का एक और तरीका है, गुडविल का एक और तरीका है, रेज इन ओल्ड राइट ऑफ इन न्यू, गुडविल का एक और तरीका है, रेज इन ओल्ड राइट ऑफ इन न्यू, बट मैंने वो इसलिए नहीं दिखाता क्योंकि हम गुडविल को बैलेंस शीट में नहीं दिखाते, बट अगर साथ साथ में करेंगे तो हम कह सकते हैं, अगर गुडविल की वैल्यू 1,50,000 है तो किसको कितना मिलेगा, 1,50,000 को ए और बी में दे दो, ठीक है। तो उसमें हम क्या करते हैं, गुडविल का एक कंसेप्ट मैं यहाँ पे लेता हूँ, अगर गुडविल हमने बोला था 1,80,000 है, तो कंप्यूटेशन के लिए हम एक और तरीका, हम क्या करते थे, हम बोलते थे बी को कितना, सी को कितना देना है, 2/10 एक करते थे ना हम, 36। इसका एक और तरीका है, रेज इन ओल्ड राइट ऑफ इन न्यू, रेज इन ओल्ड मतलब क्या है, गुडविल को रेज करो, गुडविल अकाउंट डेबिट टू ए
टू बी, किस तरह से में रेज इन ओल्ड राइट ऑफ इन न्यू। ओल्ड में करोगे 180 तो उसको कितना मिलेगा 108, और बी को कितना मिलेगा 72। और राइट ऑफ इन न्यू, राइट ऑफ इन न्यू में क्या था, गुडविल को खत्म करो, टू गुडविल, टू गुडविल कितना 180, ठीक है, गुडविल 180 डेबिट और 180 क्रेडिट। और राइट ऑफ करो ए बी सी न्यू रेशियो में 5:3:2, इसको 90,000, ठीक है, एक मिनट जस्ट देखना पड़ेगा मुझे, 180,000 इंटू 5/8, नहीं 1/12, 500, ठीक है, रेज इन ओल्ड, हम गुडविल को रेज करते हैं, ठीक है, 180 है ना वैल्यू, तो 180 अकाउंट डेबिट, तो ए को मिलना चाहिए 1/12, 500, इसको मिला 67। फिर बोलते हैं राइट ऑफ इन न्यू, राइट ऑफ इन न्यू, ठीक है, राइट ऑफ इन न्यू, तो बी को कितना होगा 180 इंटू 3/10, 54,000, इसको 54,000 से डेबिट करेंगे और इसको 36,000 से डेबिट करेंगे, तो इसका नेट इंपैक्ट क्या निकलता है, 180 कैंसिल होता है, 180 कैंसिल होता है, ए का 90,000 डेबिट हुआ, क्रेडिट हुआ 1,12,500, तो नेट में कितना क्रेडिट हुआ, इसको ए को नेट में क्रेडिट कितना हुआ 22,500, बी को नेट में क्रेडिट कितना हुआ 13,500, और सी को कितना हुआ डेबिट 36,000। जो हम वैसे कैलकुलेशन करते थे कि वो 36,000 लाएगा और वो ए और बी को 22,500 में मिलेगा, तो वो कैलकुलेशन करने का हमें बिल्कुल जरूरत नहीं है अगर हम ये चीज करेंगे, क्या गुडविल के लिए अगर कुछ क्वेश्चन में नहीं दिया है और बोलेगा गुडविल की वैल्यू आज 1,80,000 है, तो हम कुछ नहीं करेंगे, हम दो एंट्रीज करेंगे, गुडविल को रेज करेंगे ओल्ड रेशियो में और राइट ऑफ करेंगे न्यू रेशियो में, इसकी वजह से क्या होता है इंपैक्ट क्रैक्स में वही निकलता है। इसी तरीके से जब रिवॉल्यूशन अकाउंट में यहाँ पे प्रॉफिट हुआ और मेमोरेंडम रिवॉल्यूशन अकाउंट बनाएंगे तो वहां पे लॉस होगा, तो हम क्या करेंगे, इसको करेंगे ओल्ड रेशियो में और इसको करेंगे न्यू रेशियो में, तो क्रक्स क्या होगा कल की डेट में, इसमें क्या होगा जब इसको लॉस में बियर करेंगे तो ये आज बियर करेगा, इनको क्या हो जाएगा, इसको फायदा हो जाएगा, 4.5 का फायदा हो जाएगा, इसको 2.7 का फायदा होगा, और इसी 7.2 को मैं जब लॉस को सपोज लॉस करूंगा तो क्या हो जाएगा इंटू 5/10, ये 3.6 का लॉस हो जाएगा, ठीक है, और वो कितना करेगा बियर 7.2 × 3/10, ये 2.16 बियर करेगा, और वो कितना बियर करेगा 7.2 × 2/10, ये 1.44 बियर करेगा, क्यों ये आज 1.44 बियर करेगा, क्योंकि कल को जब ये 7.2 का फायदा होगा, कल को जब ये 7.2 का कल को जो फायदा हो जाएगा जब हम इसको अल्टीमेटली रियलाइज करेंगे, अगर इसी वैल्यू पे रियलाइज करेंगे तो 7.2 का फायदा होगा, 7.2 का जब तब फायदा होगा तो सी को कितना मिलेगा, इसको मिलेगा तब इंटू 2/10, तो इसको 1.44 मिलेगा तब, तो ये आज बियर करेगा 1.4। अब इसको क्या होगा, ये आज कितना बियर करेगा 4.5 मिलेगा, माइनस 3.6 कितना हुआ 0.9, तो ए को आज मिल रहा है 0.9 और बी को आज मिल रहा है 2.7 माइनस 2.16 0.54, और सी को आज देना पड़ रहा है 1.44, क्यों सी आज देगा 1.44 और ए को आज मिलेगा 0.9 और 0.14, क्योंकि कल जब हम रियलाइज करेंगे 7.2 तब इसको कितना मिलेगा 3.6 मिलेगा, 3. आज कितना मिलना चाहिए था 4.5, बट आज इसको 0.9 ही दे रहे हैं, कल मेरे को 3.6, मतलब जितना इनको कल सेक्रीफाइस होगा सी के लिए वो ये सी आज देगा। तो कैसे करते हैं, कुछ नहीं करते हैं, रेज इन ओल्ड करते हैं, राइट ऑफ इन न्यू करते हैं, जो गुडविल में भी कर दिया था, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट में फायदा हो जाएगा, मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन में लॉस हो जाएगा, फंडा वही है, रेज इन ओल्ड राइट ऑफ इन न्यू। राइट ऑफ इन न्यू क्यों करेंगे, ये तभी करेंगे ये चीज जब इन्होंने बोला था कि हम जो वैल्यू है बुक्स में वही रखेंगे जो पहले था, अगर बोलेंगे नहीं रखेंगे तो कोई बात नहीं, हम उसको नई वैल्यू पर रखेंगे, क्योंकि तब फिर उसी वैल्यू पर सेल हो जाएगा, सपोज वो 20 लाख में सेल हो गया, हमने 20 लाख में बढ़ा दिया, तब क्या होगा, कैश अकाउंट डेबिट टू बिल्डिंग 20 लाख, ना फायदा होगा ना नुकसान होगा, फायदा कब होगा जब उसको 10 लाख ही रखेंगे, और जब वो 10 लाख हो गया और वहां पे फायदा वो तीनों को मिलेगा, तो तीनों को मिलेगा तो सी से आज ले लेंगे, ठीक है। तो क्रैश क्या है,
नॉर्मल रिवॉल्यूशन अकाउंट में ठीक है सीधा फायदा है, बट अब जो बुक्स बनेंगे वो तो नई वैल्यू पे आ जाएंगे। बट अगर ये बोलेंगे नहीं बुक्स को ओल्ड वैल्यू पे रखने, तब मेमोरेंडम रिवॉल्यूशन अकाउंट बनाना पड़ेगा, और मेमोरेंडम रिवॉल्यूशन अकाउंट में हमें क्या करना पड़ेगा, इसका पूरा उल्टा करने को, यहाँ पे प्रॉफिट हुआ तो वहां पे लॉस होगा, यहाँ पे प्रॉफिट हुआ तो ओल्ड में था, वहां पे लॉस होगा तो न्यू में करेंगे। न्यू में क्यों करेंगे, तो वो कंसेप्ट याद रखो, ओल्ड इन रेज इन ओल्ड राइट अपॉन न्यू। आज इसको न्यू में बियर करेंगे तो ये 1.44 देगा, ये 1.44 देगा, और यहाँ पे मैंने इसको ज्यादा दे दिया तो इन दो को ज्यादा दिया, इतना कम किया, नेट में इंपैक्ट ये निकला, ए को 0.9 मिलेगा, इसको 0.54 मिलेगा, और इसको 1.44 देना पड़ेगा। क्यों, ये 0.9 और 0.54 कल को वो कंपनसेट करेंगे जो इसको मिलेगा, ठीक है। ये कंसेप्ट है इसका। अब हमारा रिवाल्युएशन वाला कंसेप्ट कंप्लीट हो गया, एक्युमुलेटिव प्रॉफिट वाला कंसेप्ट कंप्लीट होगा। अब हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे और इस तरीके से हमारा ये कंप्लीट हो जाएगा, और फिर जाके हमें क्या करना है, दो टॉपिक्स बचे हैं जो बहुत छोटे हैं, एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल और हमारा चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, ठीक है। तो उनको हम लास्ट वाले लेक्चर में करेंगे और उस तरीके से हमारा ये कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। अब एक बड़ा क्वेश्चन करेंगे, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, तो अभी तक जितने भी हमने कंसेप्ट किए वो भी कवर हो जाएंगे, ठीक है। इलस्ट्रेशन नंबर 24 आ जाओ, ये जो बुक है आपकी, इसमें पेज नंबर 144 पे, पेज नंबर 144 पे इलस्ट्रेशन नंबर 24 पे आ जाओ, ठीक है। ये हम करेंगे, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, तो बहुत सारे कंसेप्ट जो आज तक हमने किए थे वो कवर हो जाएंगे। इलस्ट्रेशन 24 मैं कराऊंगा, इलस्ट्रेशन 25 तुम लोग घर से खुद कर देना, और फिर जो आपकी दूसरी किरयानी पब्लिशर वाली बुक है वहां से भी क्वेश्चन कर देना। और कल के लेक्चर में हम क्या करेंगे, एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल करेंगे, और फिर हम करेंगे चेंज इन प्रॉफिट शेयर रेशियो, और कल हमारा ये एडमिशन ऑफ पार्टनर कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। फिर जितने भी क्वेश्चन है आप लोग खुद से कर देना, कोई भी दिक्कत होगी तो मैं इधर हूं, मैं आपकी हेल्प करूंगा, ठीक है। इलस्ट्रेशन नंबर 24 देखेंगे, फॉलोइंग इन बैलेंस शीट ऑफ ए एंड बी हू शेयर प्रॉफिट्स इन द रेशो ऑफ 3:2, ठीक है। ये दो पार्टनर है जिनकी बैलेंस शीट ये दी गई है, सन्ड्री क्रेडिटर्स मेरे 20,000 है, और कैपिटल जो मेरी है ए की 30,000 है और बी की 20,000 है, और मेरे जो एसेट्स है वो कैश इन हैंड डेटर वेटर दे दिया है, ठीक है, टोटल 70,000 है। ऑन दैट डेट मतलब 1 अप्रैल को उन्होंने क्या किया, सी इज एडमिटेड इन द पार्टनरशिप फर्म, सी इज टू ब्रिंग 15,000 एज कैपिटल एंड 5,000 एज प्रीमियर फॉर गुडविल शेयर ऑफ कितना, 1/6, मतलब इसको फर्म में कितना शेयर मिलेगा, 1/6। इसके लिए वो क्या करेगा, कैपिटल लाएगा 15,000 की और गुडविल जो है 5,000 के लाएगा। उसके बाद वैल्यू ऑफ स्टॉक इज रिड्यूस्ड बाय 10% व्हाइल एज प्लांट एंड मशीन इज एप्रिशिएटेड बाय 10%, फर्नीचर इज रिवैल्यूड एट 9,000, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स इज क्रिएटेड ऑन सन्ड्री डेटर्स एट द रेट 5% एंड ₹200 इज टू बी प्रोवाइडेड फॉर इलेक्ट्रिसिटी बिल, ठीक है। इन्वेस्टमेंट वर्थ 1,000 नॉन मेंशन द बिल इज टू बी टेकन इनटू अकाउंट, अ क्रेडिटर ऑफ इज नॉट लाइकली टू मेक इज मिनोरिटी एंड इज टू बी रिटन ऑफ, रिकॉर्ड जनरल एंट्रीज एंड प्रिपेयर रिवैल्यूएशन अकाउंट एंड कैपिटल अकाउंट, ठीक है। तो क्या करना है हमें, ये पूरा क्वेश्चन में जनरल एंट्रीज करनी है, रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना है और कैपिटल अकाउंट। आपको पता है पहले जनरल एंट्रीज ही करते हैं उसके बाद फिर रिवैल्यूएशन अकाउंट बनेगा, ठीक है। अब देखो सबसे पहले जनरल एंट्री किसकी हो जाएगी, सी ने 15,000 लाना है टुवर्ड्स कैपिटल और 5,000 लाना है टुवर्ड्स प्रीमियम फॉर गुडविल, तो इसकी एंट्री क्या हो जाएगी, वो कितना पैसा लाएगा, 5 और 15 कितना हुआ, 20। तो सबसे पहली एंट्री क्या हो जाएगी, सबसे पहली एंट्री क्या हो जाएगी, इलस्ट्रेशन नंबर 24 सबसे पहली एंट्री क्या हो जाएगी, बैंक अकाउंट डेबिट, ठीक है, टू कौन पार्टनर आया, सी, सी इज कैपिटल अकाउंट, और टू प्रीमियम फॉर गुडविल, कितना ला रहा है वो, 20,000, ठीक है,
20,000 ला रहा है, टूवर्ड्स कैपिटल कितना ला रहा है 15,000, और प्रीमियम ला रहा है 5,000। अब क्या करेंगे, प्रीमियम की गुडविल की एंट्री करो। गुडविल की दूसरी एंट्री क्या होती है, ये 5,000 किसको मिलेगा, ए और बी को। तो ए और बी को किस रेशियो में मिलेगा, अब उसको लाया 1/6 के लिए, इसको 1/6 शेयर के लिए लाया, उनका एग्जिस्टिंग रेशियो 3:2 था, साइलेंट है क्वेश्चन, तो किस रेशियो में बियर क्या होगा, 3:2 में। तो प्रीमियम फॉर गुडविल जो लाएगा वो, प्रीमियम फॉर गुडविल जो है इसको क्या करेंगे सर, डेबिट करेंगे, वेरी गुड। और कौन लेगा इसका फायदा, टू एज कैपिटल अकाउंट, टू एज कैपिटल अकाउंट कितना 3,000, और टू बीज कैपिटल अकाउंट 2,000, वेरी गुड वेरी गुड। ये हो गया, ठीक है। तो पहली एंट्री थी गुडविल के लिए, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, वो हो गया। अब दूसरा कंसेप्ट है रिवैल्यूएशन का, वैल्यू ऑफ स्टॉक इज टू बी रिड्यूस्ड बाय 10%, स्टॉक की वैल्यू कम करनी है 10%। स्टॉक कितना है 15,000, तो कितना वैल्यू कम करना है, कितना वैल्यू कम करना है, कितना वैल्यू कम करना है 10%, 1500 लेस करना है, ठीक है। तो एंट्री क्या हो जाएगी, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू स्टॉक अकाउंट, कितने से करेंगे कम 1500 से, ठीक है। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट 1500 टू स्टॉक अकाउंट 1500, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, प्लांट एंड मशीनरी इज टू बी एप्रिशिएटेड बाय 10%, प्लांट एंड मशीनरी को बढ़ाना है। प्लांट एंड मशीनरी कितने की है 30,000 की, 30,000 की प्लांट एंड मशीनरी है, अब बढ़ा देंगे 10% से, कितने परसेंट से बढ़ाएंगे 10% से, 30,000 का 10% कितना होगा 3,000, तो 3,000 से प्लांट एंड मशीनरी को बढ़ाना है। तो एंट्री क्या हो जाएगी सर, एंट्री हो जाएगी, मैं यहां पर लिखूंगा क्योंकि मुझे ये चीज चाहिए किसी चीज के लिए, तो मैं एंट्री करूंगा यहां पे, प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, हमारा फायदा हो गया, ठीक है। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा कितने से, 30,000 का 10% 3,000, ठीक है। अब देखो क्या हो रहा है, पॉइंट नंबर 2 हो गया। पॉइंट नंबर 3, फर्नीचर इज रिवैल्यूड एट 9,000, फर्नीचर 9,000 में रिवैल्यू करना है, फर्नीचर का वैल्यू 10,000 है, अब 9,000 करना है, तो क्या करना है, 10 में से 1 लेस करना है, तो फर्नीचर को 1,000 से कम करेंगे, तो एंट्री क्या हो जाएगी, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर अकाउंट 1,000। तो तुम इस दो एक साथ कर सकते हो, टू फर्नीचर अकाउंट 1,000, तो ये हो जाएगा 2,500, ठीक है। मतलब इसको क्या बोलते हैं, कंबाइंड एंट्री कर सकते, कंसोलिडेटेड एंट्री कर सकते। उसके बाद क्या था, अ प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स इज टू बी क्रिएटेड ऑन डेटर्स सन्ड्री डेटर्स एट 5%, एट 5%। तो अगेन क्या हो जाएगा, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स 12,000 का 5%, 12,000 मेरे डेटर है, बोल रहे 5% का प्रोविजन करो, तो 12,000 पे 5% कितना होगा 600, तो एंट्री क्या हो जाएगी, टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स 600। उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी पे 200 का प्रोविजन करना है, तो टू की टू मतलब इलेक्ट्रिसिटी बढ़ा नहीं है, तो एंट्री क्या हो जाएगी, टू इलेक्ट्रिसिटी बिल आउटस्टैंडिंग 200, अगेन रिवैल्यूएशन अकाउंट को डेबिट करेंगे, ठीक है। तो इसको मैं टोटल करूंगा लास्ट में, इन्वेस्टमेंट वर्थ ₹1,000, अब इसको टोटल करेंगे 2,500 और 6, 3,100, 3,300, तो नेट में इसको तुम कर सकते हो, रिवैल्यूएशन अकाउंट 33,000 से डेबिट हो जाएगा। उसके बाद इन्वेस्टमेंट वर्थ 1,000 नॉट मेंशन इन द बैलेंस शीट इज टू बी टेकन इनटू अकाउंट, 1,000 की इन्वेस्टमेंट है बट बैलेंस शीट में मैं देखता हूँ कैश है, डेटर है, स्टॉक है, फर्नीचर है, प्लांट एंड मशीनरी है, वो चीज तो है ही नहीं। वो चीज जब नहीं है तो क्या करेंगे, जब वो चीज है ही नहीं तो क्या हो जाएगा, जब वो चीज नहीं है तो क्या करेंगे, एसेट को बुक्स में लाएंगे, तो एंट्री क्या हो जाएगी, इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट, हमारा फायदा हो जाएगा, तो एंट्री क्या करेंगे, इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट कितना 1,000 से, तो टोटल रिवैल्यूएशन अकाउंट कितना हो जाएगा क्रेडिट 4,000 से, ठीक है। उसके बाद ए क्रेडिट ऑफ ₹100 इज लाइकली टू नॉट लाइकली टू क्लेम इज मनी एंड विल बी रिटर्न ऑफ, मेरे पास जो क्रेडिटर 20,000 है उसमें से 100 का क्रेडिटर ऐसा है जो मुझसे पैसे नहीं लेगा, तो क्रेडिटर को क्या करूंगा, खत्म करूंगा 100 से, तो एंट्री क्या हो जाएगी, तो उसमें कर सकते हो, मैं अलग से लिखूंगा क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, तुम्हारा ₹100 का फायदा होगा, ठीक है बेटा। सारा हो गया,
जर्नल एंट्री सारी होगी। अब रिवैल्युएशन में देखो, रिवैल्युएशन में देखो क्या हो गया, रिवैल्युएशन में 4000 का फायदा हो गया, 4100 का फायदा हो गया। देखो क्रेडिट कितना हुआ रिवैल्युएशन अकाउंट, 4100 कितना हुआ, 4100 का क्रेडिट हुआ, उसमें से डेबिट कितना हुआ 3300 का डेबिट हुआ, तो नेट में फायदा कितना हुआ 800 फायदा हुआ। वो कौन लेगा, ए और बी किस रेशियो में लेंगे, 3:2 में। तो रिवैल्युएशन अकाउंट को क्या करूंगा, डेबिट करूंगा, टोटल क्रेडिट में से टोटल डेबिट लेस किया तो 800 का फायदा हुआ, तो उसको करूंगा डेबिट 800। किसको मिलेगा, टू ए टू बी, किस रेशियो में, 3:2 में, तो उसको कितना मिलेगा 480 और इसको मिलेगा 320। ये थी जर्नल एंट्रीज। अब इस बेसिस पे हमने क्या करना है, एक चीज हो गया इसमें रिकॉर्ड जर्नल एंट्रीज। अब दूसरा चीज क्या पूरा है क्वेश्चन, प्रिपेयर रिवैल्युएशन अकाउंट, प्रिपेयर रिवैल्युएशन अकाउंट। अब रिवैल्युएशन अकाउंट बना लो, ये एंट्री जाएगी रिवैल्युएशन अकाउंट में। अब देखो जर्नल से हम लेजर बनाते हैं बेटा, जर्नल से लेजर बनाते हैं, बनाते नहीं बनाते, तुमने क्या बनाना है, रिवैल्युएशन अकाउंट बनाना है और कैपिटल अकाउंट बनाना है। अब बताओ इनमें से क्या जाएगा, बैंक अकाउंट डेबिट, तो इसका इंपैक्ट कहां जाएगा, बैलेंस शीट में, जब नई बैलेंस शीट बनाऊंगा उसमें 20,000 का कैश बढ़ेगा, और सी की कैपिटल में जाएगा 15,000, प्रीमियम फॉर गुडविल कैंसिल हो जाएगा, तो ए की कैपिटल में जाएगा 3,000, ए की कैपिटल में जाएगा, ये एंट्रीज रिवैल्युएशन में जाएंगी, ये भी रिवैल्युएशन में जाएंगी, ये भी रिवैल्युएशन में जाएंगी, तो ये सारी रिवैल्युएशन में जाएंगी। तो ये जो प्रीमियम फॉर गुडविल वाला अकाउंट है, यहाँ मैं छोड़ के छोटा सा एक रिवैल्युएशन अकाउंट बनाता हूँ, ठीक है, मैं तुम्हें दिखाता हूँ यहाँ पे जर्नल से लेजर कैसे बनाते हैं, अगर किसी को 11th में भूल गया है तो यहाँ पे हम रिकॉल करेंगे। मैं छोटा छोटा लिखूंगा क्योंकि आपका क्वेश्चन तो ऑलरेडी है इधर, मैं कोशिश करूंगा, अगर आप लोगों के पास अभी बुक है ही नहीं तो मैं कोशिश करूंगा किसी तरीके से वीडियो में इसको डालने की कोशिश करूंगा इस क्वेश्चन को, ठीक है। हालांकि मैंने आपको बोल दिया क्या करना है, आप लोगों को जो नोट्स मैंने बोल दिया उसमें ये क्वेश्चन है, मैं अगेन बोल रहा हूँ, इलस्ट्रेशन नंबर 24 पेज नंबर 144 पे रिवैल्युएशन अकाउंट देखो कैसे बनेगा, ये रिवैल्युएशन अकाउंट का डेबिट है, ये रिवैल्युएशन अकाउंट का क्रेडिट है, रिवैल्युएशन अकाउंट डेबिट टू स्टॉक कितना 1500, उसके बाद टू फर्नीचर कितना 1000, उसके बाद टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, टू प्रोविजन फॉर डीडी कितना 600, उसके बाद टू इलेक्ट्रिसिटी बिल आउटस्टैंडिंग, एक लाइबिलिटी मेरी हो जाएगी 200, उसके बाद बाय प्लांट एंड मशीनरी 3000, बाय इन्वेस्टमेंट 1000, बाय क्रेडिटर 100, टोटल किया ये आएगा 4,4100 और ये आया 4,100, कम कितना पड़ा 800, मतलब 800 का फायदा हुआ, टू रिवैल्युएशन प्रॉफिट। रिवैल्युएशन प्रॉफिट किसको देंगे, ए और बी को, किस रेशियो में, उनकी ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में 320। तो ये हमारा रिवैल्युएशन अकाउंट। उसके बाद हमें क्या बनाना है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब मैं इसको रब कर लेता हूं, ठीक है, अब बना तो मैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। देखो आप पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट भी सीखेंगे बनाना, ठीक है, हालांकि हमने कर दिया था कंसेप्चुअली, तो यहां पे मैं एक बनाता हूं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है। क्वेश्चन में एक और चीज नहीं दी है, मैं वो भी कराऊंगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है। कितने पार्टनर है आप, 3, ए बी सी, ए बी सी, ए बी सी, ये आया इनका पर्टिकुलर्स, ये इनके पर्टिकुलर्स। सबसे पहले क्या है ओल्ड पार्टनर्स का, उनकी कैपिटल, तो क्या आएगी बाय बैलेंस ब्रॉड डाउन, ए और बी की कैपिटल कितनी है 30,000, उसके बाद बी की कैपिटल कितनी है 20,000, उसके बाद क्या हुआ सी जब आया था, सी ने 15,000 टूवर्ड्स कैपिटल लाया था बाय बैंक अकाउंट, सी ने कितना लाया 15,000, और सी ने जो 5,000 लाया था वो मैंने प्रीमियम और गुडविल में कर दिया था,
फिर दूसरी एंट्री प्रीमियम फॉर गुडविल टू एज कैपिटल अकाउंट टू बीज अकाउंट, तो ए और बी में कितना जाएगा, इसमें 3,000 आएगा, इसमें 2,000 आएगा बाई प्रीमियम फॉर गुडविल, ठीक है, बाय प्रीमियम फॉर गुडविल, ठीक है, वो हो गया। उसके बाद क्या हुआ था ए और बी में, और कोई एंट्री नहीं हुई थी, रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट ए और बी में गया था, बाय रिवैल्यूएशन प्रॉफिट, बाय रिवैल्यूएशन प्रॉफिट, ए को मिला था 480, बी को मिला था 320, ठीक है, बस सारा हो गया, सारा हो गया और कुछ नहीं बचा था। अब इनका क्या निकलेगा, बैलेंस निकलेगा, बाय टू बैलेंस कैरी डाउन, ठीक है, 3,000, 3,000, 33,000, 480, तो इसकी बैलेंस नहीं आई 33,480, इसका 22,320 और इसका 15,000, ठीक है, यहां तक तुम्हें क्वेश्चन में बोला था करने के लिए, इसके बाद कुछ नहीं बोला है, मैं बस खुद से करूंगा। अब हम रिवाइज बैलेंस शीट बनाएंगे, क्या बनाएंगे, रिवाइज बैलेंस शीट, ठीक है, ये मेरा रहेगा लाइबिलिटीज और ये रहा मेरा एसेट्स और ये अमाउंट, ये अमाउंट। अब देखो पहली बैलेंस शीट में क्या थी, बैलेंस शीट में सबसे पहले कैश था, कैश पहले कितना था, 3,000, जो 3,000 उसने पहले था प्लस जो उसने 15 लाया, तो टोटल कितना हुआ कैश, 18,000 कुछ निकाला तो नहीं। उसके बाद डेटर, मेरे डेटर कितने थे, 12,000, इसमें से क्या करूंगा लेस, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स 600, ये बनेगा मेरा 11,400। उसके बाद स्टॉक, स्टॉक को छेड़ा था हमने, यस, स्टॉक को 10% से कम किया था, 1500 से कम किया था, तो मेरा स्टॉक कितना रहा, मैं यहाँ पर दिखाऊंगा, हालांकि तुम्हें दिखाने की जरूरत नहीं है, 15,000 - 1500, अब मेरा स्टॉक रहा 13,500। उसके बाद फर्नीचर, फर्नीचर 9,000 पे रखना है, फर्नीचर बुक दिया था 9,000 पे रखना है, 10,000 का था 9,000 पे रखना था। उसके बाद प्लांट एंड मशीनरी, प्लांट एंड मशीनरी बढ़ाना था, प्लांट एंड मशीनरी 33,000 पे रखना था, ठीक। उसके बाद क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स 100 से कम हुए थे, पहले 20,000 थे, 20,000 में से 1,100 रुपया चला गया था, तो बचा कितना पीछे 19,900। उसके बाद कैपिटल अकाउंट्स, कैपिटल अकाउंट्स ए बी सी, ए कितना है, ये कैपिटल अकाउंट्स आएगा 33,480, बी 22,320 और सी 15,000, इनका टोटल करो कितना आता है, 33,480 प्लस 22,320 प्लस 15,000 कितना हुआ, 70,800। अब इसको टोटल करेंगे, 70,800 प्लस 19,900, 90,700। अगर 90,700 हुआ मतलब हमारा आंसर ठीक है, 18,000 प्लस 11,400 प्लस 13,500 प्लस 9,000 प्लस 33,000, ओ माय गॉड, इट मीन्स हमने कुछ छोड़ दिया है, अभी देखेंगे क्या छोड़ दिया, ये आ रहा 84,900। अब देखो कहाँ पे छोड़ दिया, यही तो मजा है इस चीज़ का, 19,900 ठीक, कैपिटल अकाउंट्स मेरा कितना आ रहा है, 33,480, 22,320 और 15,000, इसको मैं एक बार जस्ट टोटल करूँगा, कहीं मेरा गलती तो नहीं हुआ कैलकुलेशन में, 33,480, घबराना नहीं, 22,320 प्लस 15,000, 70,800 प्लस 19,900, 90,700। अब देखूंगा यहाँ पे कुछ गलती तो नहीं की रहे, कैश इन हैंड 3,000 आया, ओके ओके, सॉरी सॉरी सॉरी, कैश इन हैंड मेरा 3,000 था और वो 15,000 कैपिटल का लाया था और वो 5,000 गुडविल का लाया था, वो भी तो बिजनेस में रहा, वो तो हमने निकाला नहीं, तो 5,000 वो भी आएगा, 15 और 3, 18, 18 और 5, 23,000, ठीक है, 23,000 और प्रोजबा डाउट बिल्डर्स 6,000 कम हुआ था, तो 12,000 - 600, 11,400, स्टॉक 15,000 में से ये, और क्या हुआ था एक चीज जो मैं भूल गया यहाँ पे, इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट हमारी हुई थी 1,000 की, क्या हुई थी इन्वेस्टमेंट, अगेन हमारी एक एडिशनल हुई जो पहली बैलेंस शीट में नहीं थी, वो 1,000 आएगी। और मेरा इलेक्ट्रिसिटी बिल आउटस्टैंडिंग, क्या यहाँ पर लिखूंगा इलेक्ट्रिसिटी बिल आउटस्टैंडिंग 200, ये 200 और हो जाएगा, ये 90,900 हो गया, और वो देखो अब कितना होगा, 23,000 प्लस 11,400 प्लस 13,500 प्लस 9,000 प्लस 33,000 प्लस 1,000, 90,900।
इस तरह से एक आपका पूरा क्वेश्चन आएगा कंसोलिडेटेड। इसमें हमने क्या देखा, प्रीमियम ऑन गुडविल की जो गुडविल था उसकी एंट्री थी, कैपिटल लाया उसने उसकी एंट्री, फिर गुडविल की एंट्री, गुडविल का ट्रीटमेंट वो पार्टनर में देंगे और वो रिटेन कर रहे हैं यहाँ पे। उसके बाद हमने रिवैल्यूएशन अकाउंट सीख लिया, रिवैल्यूएशन प्रॉफिट को ओल्ड पार्टनर में दे दिया, फिर हमने पार्टनर का कैपिटल अकाउंट सीख लिया और फिर उसके बाद बैलेंस शीट बनाना सीख लिया। मैं यहाँ पे क्या कहता, ये 5,000 नहीं लिया था और वो इन्वेस्टमेंट नहीं लिया था, तो तुमने क्या करना होता है, ओल्ड बैलेंस शीट देखनी है और फिर जितनी भी जर्नल एंट्रीज की थी उनका इंपैक्ट देखना जो बैलेंस शीट में, उसके बेस पर तुम बैलेंस शीट बना दोगे, ठीक है। तो ये एक पूरा कंसोल्टेड हो गया। अब तुम लोग क्या करना, इलस्ट्रेशन नंबर 25 कर देना, और इस चैप्टर में अगर ये बुक तुम्हारे पास है, मैं बोल रहा हूँ अगेन, जब तक वो किरयानी पब्लिशर वाली बुक नहीं आएगी, तुम या तो अपनी किरयानी पब्लिशर वाली बुक से जितने भी मैंने कंसेप्ट बोल दिया आज तक वहाँ के क्वेश्चंस कर लो, जो जो क्वेश्चन आपको प्रॉब्लम आ रही है तो वो अभी नोट करके रखो, जब मेरे पास बुक आएगी तो मैं आपसे पूछ लूंगा कौन कौन सा क्वेश्चन नहीं आ रहा है, तो मैं उस पर वीडियोज बना दूंगा। तब तक अगर कुछ भी करना है, बहुत आसान तरीका है, ये जो बुक है जिससे मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ, मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे मैंने लिंक दे दिया है, वहां से डाउनलोड कर दो, अपने नजदीकी फोटो स्टेट वाले से उसका प्रिंट आउट निकाल कर ले लो। आप क्या कहें तो एक पेज पे 4 पेज ला सकते हो, वो बहुत कम पैट आएगा, बहुत कम पैसे आपको खर्च हो जाएंगे, आप वहां से प्रिंट आउट निकाल सकते हो, ठीक है। या अगर आप वीडियो लैपटॉप मोबाइल से देखोगे, आप लैपटॉप पे ले सकते हो, वैसे कर सकते हो, नहीं तो इस बुक को भी मंगा सकते हो, आपके लोकल शॉप पे मिल जाएगी, ठीक है। तो जो भी तरीका करना है वो कर लो और यहाँ से क्वेश्चन कर लो, ठीक है, या अपनी बुक से कर लो, कुछ डाउट होगा तो मुझसे पूछ लो, बट क्वेश्चन जरूर कर लो। अगर ये बुक है आपके पास तो अभी इलस्ट्रेशन नंबर 25 तक आप सारी इलस्ट्रेशन करना इस एडमिशन के, कोई भी डाउट होगा तो मुझे पूछ लेना, बट करना जरूर, ठीक है। आज हम इतना ही करेंगे, कल के लेक्चर में हम 2 चीज़ें करेंगे, एक हम करेंगे एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल, बहुत छोटा टॉपिक है, और चेंज इन पीएसआर, दोनों छोटे टॉपिक है, और हम देखेंगे अगर फिर हमारा कुछ क्वेश्चन टाइम बच गया तो हम कुछ कंसोलिडेटेड क्वेश्चन करेंगे और पूरा रिवाइज करेंगे एडमिशन का, इस तरीके से हमारा पहला चैप्टर पूरा कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। आज के लिए इतना ही, तो इसी के साथ हम आज का ये लेक्चर